दिवस ये मौका है 13 गुना लाभ प्राप्त करने का। दिवाली से पहले धन त्रयोदशी यानी धनतेरस पर्व हिंदुओं के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इस दिन हर कोई अपनी अपनी जेब के अनुसार कुछ न कुछ खरीदता है, ताकि उसके जीवन में लक्ष्मी का भाव कभी न रहे। इसी दिन नए उपहार, सिक्के, बर्तन और गहनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त के समय 7 धान्यों की पूजा की जाती है। गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर को पूजा में रखकर पूजा की जाती है। इस दिन चांदी खरीदने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। इंसान दौलत के पीछे भागता है, लेकिन असल दौलत संतोष से बढ़कर कुछ नहीं। कहते हैं जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और सबसे बड़ा धनवान है। जो कि धनतेरस पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं, इसलिए इस दिन चौघड़िया और मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं शुभ चौघड़िया और मुहूर्त में खरीदारी से सुख समृद्धि घर आती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस का चौघड़िया और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या कहता है। धनतेरस पर कब क्या खरीदें? शुभ चौघड़िया सुबह 7:30 से 9 तक। सोना, पीतल, जमीन, मकान खरीदना होगा शुभ। चर चौघड़िया दोपहर 12 से 1:30 तक। वाहन, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए शुभ। लाभ चौघड़िया दोपहर 1:30 से 3 तक। तांबे का बर्तन, सोना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए शुभ। अमृत चौघड़िया शाम 3 से 4:30 तक। चांदी, पीतल, सोना, जमीन, मकान खरीदने के लिए शुभ। लाभ चौघड़िया शाम 6 से 7:30 तक। तांबे का बर्तन, सोना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन खरीदना शुभ। शुभ चौघड़िया शाम 9 से रात 10:30 तक। सोना, पीतल, जमीन, मकान खरीदना रहेगा शुभ। अमृत चौघड़िया 10:30 से रात 12 तक। चांदी, पीतल, सोना, जमीन, मकान की खरीदारी के लिए शुभ। तो इन शुभ मुहूर्त और चौघड़िया में अपने मन अनुसार चीजें खरीदिए और जीवन में धन लाभ का आशीर्वाद पाइए। धनतेरस को शास्त्रों में कितना शुभ बताया गया है, इसका पता इसी से लगता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। गया 21 वर्ष में आपने साथे मिली ने अनेक सपना जोया, अनेक पगला लीधा, अनेक वीत सिद्धियों शिखर सिर सर करे आपने। अने मारे माटे तो राजकोट ये मारी पहली पाठशाला थी। जेम महात्मा गांधी नु सौभाग्य हतो के पोरबंदर में जन्म्या अने राजकोट में एमने पाठशाला मळी, एम मारु सौभाग्य हतो कि क्या उत्तर गुजरात में जन्म्यो अने राजकोट में सत्ता कारण अने राजकारण नी पहली पाठशाला तमारा चरणों में शीख्यो।
आ राजकोट नी धरती नी ताकत जुओ, एने पहली पाठशाला में गांधीजी ने आशीर्वाद आप्या, आजे गांधीजी आपणा माटे प्रेरणा नु ताक शक्ति बनी गया। अने तमे मने आशीर्वाद आप्या, आजे बे बे दायका पूरा थया, जवाबदारीओ वधती ज जाय छे वधती ज जाय छे। आ तमारी राजकोटना आशीर्वाद नी ताकत। अमारा वजूभाई सीट खाली करी अने मने राजकोट मोकल्यो, अने तमे मने वधावी लीधो, अने ए जे तमारा आशीर्वाद थी यात्रा शुरू थई, ई यात्रा आजे गुजरात अने हवे देशना विकास ने नवी ऊंचाईओ पर लई जवानो अवसर बनी गई। भाईओ, आ राजकोट नु ऋण क्यारे न पूरू करी शको। भाईओ, हूँ तमारो कर्जदार छू, अने आजे जारे वच्चे आवुं छुं त्यारे संपूर्णपणे सेवा भावथी समर्पण भावथी माथुं नमावीने आपना चरणोमां आ विकासना कार्यो एनी भेट धरुं छुं। भाईओ, एक विद्यार्थीना रूपमां आपनी पासेथी घणुं बधुं शीख्यो, घणुं बधुं समज्यो, અને જે રાજકોટે શીખવાડ્યું ને એ આજે દેશને કામ આવી રહ્યું છે। ભાઈઓ, આજે જ્યારે ગુજરાતની જાહોજલાનીની ચર્ચા થતી હોય, ગુજરાતના કાયદા વ્યવસ્થાની ચર્ચા થતી હોય, હમણાં દેશભરના ખેલાડીઓ ગુજરાતમાં રમત સ્પર્ધા માટે આવ્યા હતા, અને એ જ વખતે નવરાત્રિનો તહેવાર ચાલતો હતો, મોટા ભાગના ખેલાડીઓએ કેટલાકે મારી જોડે ફોન પર વાત કરી, અને ઘણા બધાએ સોશિયલ મીડિયામાં ગુજરાતનો એમનો અનુભવ, એમાં રાત રાત બેન દીકરીઓ સોનાના ઘરના પહેરીને ચોરા પર ગમે ત્યાં જતી હોય, કોઈ ભય ના હોય, ચિંતા ના હોય, આ ગુજરાત જોઈને, આ રાજકોટ જોઈને દુનિયા દેશભરમાંથી આવેલા લોકો મોઢામાં આંગળી નાખી ગયા, આંગળી નાખી ગયા। કાયદો અને વ્યવસ્થાના પ્રાધાન્યનું પરિણામ છે। છાસ મારે આપણે ત્યાં સ્થિતિ હતી, અને અમારા રાજકોટમાં તો મને ખબર છે, આખા સૌરાષ્ટ્રમાં જે વખતે જનસંઘ જમાનો હતો, હું તો રાજકારણમાં નહોતો, જનસંઘના જમાનમાં અમારા ચિમનભાઈ શુક્લ અને સૂર્યકાંતભાઈ આચાર્ય એમની જોડીએ ગુંડા વિરોધી સમિતિ બનાવી હતી, અને ગુંડા વિરોધી મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું રાજકોટ અને આખા સૌરાષ્ટ્રમાં। આ ગુંડાઓના ત્રાસ સામે જનસંઘ એ જમાનામાં લડાઈ લડ્યો હતો। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બન્યા પછી કાયદો વ્યવસ્થા સુખ શાંતિ સહજ બની ગયા। અપરાધીઓ હોય, માફિયા હોય, દંગાઈઓ હોય, આતંકીઓ હોય, કબજા કરનારા ગિરોહ હોય, આ બધા માથા ફરેલા માથા ભારે લોકોના ત્રાસથી મુક્તિ એનો આનંદ સમાજના દરેક વર્ગને થઈ રહ્યો છે। શાંતિ, સદભાવના, એકતા, દરેક મા બાપને મનમાં સંતાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ગારંટી બની ગયું છે, અને એના માટે તનતોડ મહેનત। અને આ બધું જયારે જોવું ત્યારે મને કેટલો ગર્વ થતો હોય, કેટલો આનંદ થતો હોય। ભાઈઓ,